विंधावन और मथुरा में प्राय आता हूँ, लेकिन आज चुनाव की ज़रा चूँकि 18 तारीख का बहुत नज़दीक आ गया है, तो उसकी मैं आपके जनपद में क्या चुनावी हमारी पुलिस की तैयारी हो रही है उसकी मैं समीक्षा करने आया था। अभी तक की जो इन्होंने कार्रवाई की है, जो मेरा मथुरा पुलिस के द्वारा की गई है एसएसपी मथुरा के अगुवाई में, उससे मैं संतुष्ट हूँ। करीब 68% असलहे जमा हो गए हैं, लेकिन ये बल मैंने इनको कहा कि 13 या 14 तारीख तक 80% असलहे जमा हो जाने चाहिए। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो अवैध कट्टे लेकर लोग चलते हैं, कट्टा लेके जो अवैध शस्त्र के लिए कट्टा लेके चलते हैं, तो उसकी प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए। चेकिंग में थोड़ी दिक्कत ज़रूर है आपके यहाँ के नेशनल हाईवे पे इतनी तेज़ गाड़ियाँ चलती हैं कि उसमें कैजुअल्टी की भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन 13-14 तारीख के बाद से मैंने कहा है कि 2 जगह उसको बैरियर लगा के, जिगजैग बैरियर लगा के, और कम से कम 1.5 सेक्शन, 2-2 सेक्शन जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स मिली है, 25 कंपनी और 2 प्लाटून फोर्स जो 11 तारीख का चुनाव करा के यहाँ पर 13 तारीख की सुबह तक आ जाएगी। तो उनको फिर प्रॉपर उनका डिप्लॉयमेंट होना चाहिए। उनके साथ एसएसपी साहब को भी और जितने सर्किल अफसर हैं, डिस्ट्रिक्ट एसपी, उनके साथ एरिया डोमिनेशन तो पहले से चल रहा है, लेकिन जब ये 25 कंपनी आ जाए तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि पूरे जनपद को एक छावनी की तरह विजिबिलिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि लोगों के मन में कॉन्फिडेंस आए कि यहाँ पे पुलिस है, पुलिस दिख रही है, और किसी भी अवांछनीय तत्व की इतनी हिम्मत न पड़े कि वो चुनाव में किसी प्रकार का बाधा डाल सके। गुंडा की मैंने कार्रवाई के लिए कहा है कि जिसमें देख लीजिए कितने जिला बदर हुए हैं, और जो जिला बदर हो चुके हैं उसमें से अभियान चला के कौन कौन अपने घर में रह रहा है, तो एसएसपी साहब ने बताया कि उसके मतलब इलेक्शन के दौरान ये कार्रवाई चलती रहती है। 107-16 में कितने लोग बाउंड डाउन हुए हैं। इम्पॉर्टेंट बाउंड डाउन कराने में मेरे लिए संख्या नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, क्योंकि कभी कभी शिकायतें मिलती है कि आँख बंद करके 107-16 किया जा रहा है। उसकी मैं उसके कतई उसके पक्ष में नहीं हूँ। जो ऐसे लोग जो चुनाव में बाधा डाल सकते हैं, शांति को भंग करने की आशंका जिनसे, ऐसे लोगों को भारी धनराशि में 107-116 में बाउंड डाउन कराया जाए। प्रशासन ने कितने को चिन्हित किए हैं, सेंसिटिव अनसेंसिटिव जो है वो तो ये बता दें। पहले बाइट करना उसी में हो जाएगा। हरियाणा से जो बॉर्डर लगता है उसमें हमारी 2-2 मीटिंग हो चुकी है। एक 19 मार्च को आगरा में हुआ था, और उसके एक सप्ताह के बाद डीजीपी साहब द्वारा नोएडा में उसकी मीटिंग हुई थी, जिसमें फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर आए थे, पलवल के डीएम आए थे, पलवल के एसएसपी आए थे, मऊ के डीएम एसएसपी आए थे, मुरैना और नहीं वो तो आगरा से लगता है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। हाँ, मऊ ने मेवात में, तो उसके डीएम एसएसपी आए थे, उन लोगों से हमारी लगातार वार्ता हम लोग की होते रहती है। तो 16 तारीख से वो इस इंटर स्टेट बॉर्डर पर बैरियर लग जाएगा। इसी तरह जब उनके यहाँ चुनाव होगा तो उनको उनकी हम मदद करेंगे। तो अभी तक की जो चुनाव जो हमारी कार्रवाई उससे मैं संतुष्ट हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि एसएसपी मथुरा के निर्देशन में और यहाँ पर जो पुलिस की जो कार्रवाई है अच्छी सकुशल और शांतिपूर्वक चुनाव होगा।